अम्मा जी लाहौर खैरियत से आई थी। हाँ मुझे मुझे हाथ पकड़ा दें, आप मुझे हाथ पकड़ाएं। इंडिया से आप? अच्छा इंडिया गई थी। अच्छा कराची की रहने जा बैठा था। इंडिया गई थी आप? घूमने गई थी। अभी इंडिया से आ रही हैं आप? हाँ। अरे वाह वाह, तो कैसा लगा आपको इंडिया? अमृतसर से आ रही हूँ। अमृतसर से आ रही हैं? हाँ, ये बॉर्डर तो बंद है ना। ठीक है, तो अभी बॉर्डर के जरिए आप वाघा बॉर्डर से क्रॉस किया? नहीं, अमृतसर। अमृतसर से? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना अर्सा रही हैं आप इंडिया? 20 दिन। 25 दिन। 25 दिन नहीं है तो आप खैरियत से गई थी इंडिया? किस सिलसिले में? अपने बाप दादा का वतन है, मैं इंडिया की। अब्बा पार्टीशन से पहले आ गए थे। अच्छा, पार्टीशन से पहले? पहले आ गए, 47 से भी पहले आ गए। हाँ, तो फिर आपकी पैदाइश कहाँ हुई? इंडिया में हुई थी। ठीक है, 2 साल करके इंडिया से लेके आए थे। आप 2 साल की थी? हाँ। अच्छा, और फिर आप आके कराची में रहाइश? हाँ, मेरा कराची में रहा। घर वहीं पे था? हाँ। शादी भी कराची में हुई? हाँ। बच्चे भी सब वहीं? हाँ। पे तो अभी आप अकेली चली गई इंडिया वापस? बच्चे गवर्नमेंट सर्विस, उनको वीजा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो गवर्नमेंट सर्विस में है? हाँ। तो आपका वीजा मिल गया आसानी से? सीनियर हूँ। तो उधर फिर किस किस को मिलकर आई हैं? मेरे बाप माँ के, दादा दादी तो है ही नहीं। ठीक है, बड़े तो कोई नहीं है, उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे? हाँ। पानी पिए, पानी पिए। तो उनके लिए तो अब दादी आप हैं, उन बच्चों के लिए? हो दादी, हो खाला। तो ये तो आप क्या समझती हैं कि ये रास्ते बॉर्डर खुल जाने चाहिए? ये खुल जाना चाहिए, ये तो बहुत आसान था। यहाँ कराची से लाहौर, लाहौर से यहाँ बैठी दिल्ली चली गई, दिल्ली से उड़ीसा चली गई, उड़ीसा के रहने। आप जाती रही हैं? हाँ, हर साल जाती हूँ, मैं सीनियर ना, मुझे वीज़ा मिल जाता है आसानी से। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि अमृतसर की खास बात क्या है? सिकड़ा लोग हैं, लेकिन माँ जी माता जी करके मेरा मदद की है। वो लोग अपने में हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ना कोई पूछते ना कुछ। यहाँ यहाँ के लोग और वहाँ के लोग आपस में मिलना चाहते हैं? हाँ, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत करते हैं? हाँ, खिलाड़ी विलाड़ी जब होता है तो मगर, लेकिन पाकिस्तान में भी तो बहुत मुसलमान है ना। ऐसा ही है। हाँ, उनके अजीत लोग हैं ना। वो आजकल इंडिया से डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं। हाँ। आप सुनती हैं उन्हें? हाँ। तो उधर भी लोग उन्हें सुनते हैं? हाँ। और इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी यहाँ करते हैं? हाँ, कोई गाली भी देते हैं। वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं? बोलते हैं गाली देते हैं, कोई बोलते हैं हिंदू को मुसलमान बनाता है ना, तो जो पार्टी है ना, तो फिर वो उस पर गुस्सा करते हैं। हाँ। तो मुझे कोई बात तो बताए ना, मुझे हाथ पकड़ा दें, मुझे कोई बात तो बताए ना। हाँ। कि जो कराची है, कराची जैसा है मुंबई और लाहौर जैसा है दिल्ली, ऐसा ही है? हाँ। ये शहर एक जैसे हैं या फ़र्क है इनमें? नहीं नहीं, फ़र्क नहीं है, ऐसे ही है। ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा शहर है। इंडिया बहुत बड़ा शहर है। बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा। ये तो एक कोना है। आप इस दफ़ा कौन कौन से इलाके में सैर करके आई हैं? मैं अजमेर गई थी। अच्छा, अजमेर शरीफ? हाँ, अजमेर शरीफ। तो वहाँ हाजिरी भी हुई थी? हाँ हाँ, हाजिरी दे। मैं मुझे बादशाह का वो क्या नाम है, आगरा गई थी। आगरा में जो वो है जी, ताजमहल, ताजमहल देख कर आ रही हैं? हाँ। वाह वाह वाह, मेरे साथ गए थे इंडिया के कजन लोग मेरे। ठीक है। हाँ, वो साथ गए। हाँ। तो जो आपके मियाँ वो हयात हैं या? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ। तो आपने कभी उन्हें कहा था, फरमाइश की थी मेरे लिए ताजमहल बनाओ? पहले औरतें ऐसे नहीं कहती थी, अभी कहती अभी कहती पहले नहीं कहती थी, जो जैसा शौर रखता था वैसा हम लोग रहते थे, लेकिन अभी तुम लोग ऐसा नहीं रख सकोगे। हम ऐसा नहीं रख सकते? नहीं। हमें बताएं ना क्या करें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके खुशी में खुशी होना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए, वो क्या चाहते हैं, तुम्हारे बच्चे की अम्मा है क्या चाहती है, वो करना चाहिए। ऐसा भी नहीं, जो उसको भी तुम्हारा इज्जत करना चाहिए। इज्जत ज़रूरी है। हाँ। इज्जत सबसे पहले। हाँ।
और मेरा गाड़ी तो नहीं छूट गया। नहीं नहीं वहाँ तो आप 20 25 दिन पहले अकेली निकली? अकेली कराची से लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर अमृतसर से फिर लाहौर, नहीं अमृतसर से अमृतसर से आगरा, दिल्ली 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 से बालेसर उड़ीसा। हाँ हमारा गांव है उड़ीसा, जहाँ आपका गांव है। हाँ। और फिर वहाँ से वापस आ रही हैं। हाँ। कितनी कितनी उम्र होगी आपकी माँ जी? 2 कम 70। वाह, आप जीती रहे, सलामत रहे आप। बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं अम्मा जी, अगर ये बॉर्डर के रास्ते खुल जाएं तो इस तरह आप सफ़र कर सकते हैं, इससे आपकी मईशत भी बेहतर होगी, लोगों का जो प्यार और मोहब्बत है वो बहरहाल मौजूद है। बाकी हुकूमतों की सतह पर और ये मसाइल रहते हैं, ये हमेशा से रहते हैं, इन्हें हल किया जा सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ से आएँ, कोई प्यार की बात हो, कुछ यहाँ से खाने की सौगात ले जाएँ, कुछ वहाँ से ले आएँ, कुछ यहाँ तमाशा करते रहें, कुछ वहाँ तमाशा देखते रहें।